हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल आउट द डाउट्स। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्लास एट्थ की माइलस्टोन की इंग्लिश की बुक के चैप्टर नंबर 6 द माउस ट्रैप का पार्ट नंबर 2 लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और ध्यान रखें कि ये चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 देख लीजिए ताकि चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बिना देरी के चैप्टर को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे जो मॉन्क्स मैनोर जो गेस्ट हाउस होता है उसके अंदर मिसेस बॉयल की एंट्री होती है और वो जो औरत हैं वो कैसी होती हैं, थोड़ी मुँहफट होती है, मतलब अगर उनको कोई चीज़ गलत लगती है, सही नहीं लगती तो वो कह देती हैं। कोई भी कंप्लेंट अगर उसके दिमाग में होती है तो अपने मन में नहीं रखती हैं। तो भी वो कहती हैं कि जब उनको लेने नहीं जाया गया था, अब वो गिल को कहती हैं कि हमें लेने के लिए कोई भी नहीं आया, तो गिल्स कहता है कि हमें पता ही नहीं था कि आप कौन सी गाड़ी में आएंगी, कौन सी रेलगाड़ी में आएगी, तो हम भेज देते। अभी वो कहती हैं द ड्राइवर शुड हैव बीन क्लियर्ड ऑफ स्नो मोस्ट ऑफ इट एंड कैजुअल। जो ड्राइववे था या फिर आप लगा लीजिए जो रास्ता था वो बिल्कुल साफ था, जैसे कि हमेशा होता है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं थी। यू आर वेरी यंग टू बी रनिंग एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस काइंड, और तुम अभी बहुत छोटे हो इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट को चलाने के लिए, मतलब इस तरह का गेस्ट हाउस जब तुमने खोला है तो तुम्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इसके बारे में कि किस तरह से काम करना चाहिए। तो इसीलिए वो उसको क्या कहती है, क्वाइट इनएक्सपीरियंस्ड, कि तुम बिल्कुल ही जो है इनएक्सपीरियंस्ड हो, तुम्हें कोई भी अनुभव नहीं हो, तुम अनुभवहीन हो। तो नरेटर कहता है मिसेस बॉयल इज़ नॉट शाय अबाउट वॉइसिंग हर कंप्लेंट्स। जो मिसेस बॉयल है वो बिल्कुल नहीं शर्माती है अपनी कंप्लेंट्स बताने में। मेजर मेटकाफ एन रिटायर्ड मिलिट्री मैन एंटर्स द हाउस। अब जो मेजर मेटकाफ हैं जो कि रिटायर्ड मिलिट्री मैन हैं, वो घर के अंदर आते हैं। ही कमेंट्स ऑन द ब्यूटी ऑफ द हाउस, वो घर की सुंदरता के ऊपर कमेंट करते हैं। बट मिसेस बॉयल डिसएग्री एंड फील्स द एमिनिटीज़ आर नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स। लेकिन जो मिसेस बॉयल है वो बिल्कुल भी एग्री नहीं है उसके साथ। उनका तो कहना है कि जो सेवाएं हैं फिर सर्विसेज हैं वो क्या हैं, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। मोली कैजोल्स हर एंड एस्कॉर्ट हर टू द रूम। जो मोली है उन्हें थोड़ा खुश करने की कोशिश करती है और उनको क्या करती है, कमरा दिखाती है। द डोर बेल रिंग्स अगेन। अब जो डोर बेल है वो दोबारा बजती है। मिस केजवेल अ टाल इंडिपेंडेंट वूमेन एंटर्स एंड इज इनवाइटेड टू वार्म अप बाय फायर। अब जो मिस केजवेल आती हैं जो कि एक लंबी सी और इंडिपेंडेंट वूमेन हैं, वो घर के अंदर आती हैं और उनको कहा जाता है कि वो आएँ और गर्म हो जाएँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी क्योंकि स्नोफॉल हो रहा था उस टाइम। मिस केजवेल, अब मिस केजवेल हैं वो कहती हैं हैव यू हर्ड ऑफ द मर्डर, क्या आप सबने मर्डर के बारे में सुना है। द पुलिस आर एंशियस टू इंटरव्यू अ मैन ऑफ मीडियम हाइट लुकिंग एट द पीपल इन द रूम, एवरीवन हियर सीम्स टू फिट एंड डिस्क्रिप्शन। अब जो मिस केजवेल है वो क्या करती है, कमरे के अंदर जितने भी लोग थे सभी को एक बार देखती है और फिर क्या कहती है कि जो पुलिस है वो बहुत ज़्यादा चिंतित है मर्डर को ढूंढने के लिए। अब जो मर्डर है उसके बारे में क्या बताया गया है कि उसकी हाइट क्या है, मीडियम है। अब वो कहती है कि कमरे के अंदर जितने भी लोग हैं सभी उस डिस्क्रिप्शन के लिए बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं, मतलब जैसा मर्डरर के बारे में बताया गया है आप सभी बिल्कुल वैसे लगते हो। अब वो खुद तो लंबी थी लेकिन दूसरे सभी तो मीडियम हाइट के थे, तो इसलिए वो कहती है सभी क्या हैं उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। अब नैरेटर कहता है मोली एंड गिल्स फाइंड मिस केजवेल एंड मिस बॉयल टू बी ऑड एंड अनप्लेजेंट एक्सेप्ट मेजर मेटकाफ, बट सीन्स ऑल हैव अराइव्ड दे एटलीस्ट नो व्हाट टू एक्सेप्ट। अब यहाँ पे जो मोली है और जो गिल्स है वो पाते हैं कि जो मिसेस बॉयल है और जो मिस केजवेल है वो थोड़ी क्या है, ओड है और अनप्लेजेंट है, मतलब खुश मिजाज नहीं है बिल्कुल भी। और इसीलिए लेकिन जो मेजर मेटकाफ हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनको छोड़ के वो दोनों तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। और लेकिन जो भी हो चलो सभी आ गए हैं और मोली और गिल्स जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हमारे गेस्ट कैसे होंगे, वो इस बारे में बात कर रहे थे कि हमारे जो गेस्ट आएंगे वो नेचर वाइज कैसे होंगे। चलो सबसे उनको पता तो चल गया था कि कौन कैसा है और वो उसके हिसाब से उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे वो भी उनको पता चल गया था। एज द टॉक, जैसे ही वो बातें कर रहे थे द डोरबेल अनएक्सपेक्टली रिंग्स अगेन। जो डोर थी वो अनएक्सपेक्टली दोबारा से बजती है, मतलब किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अभी कोई आने वाला है और अचानक से जो डोरबेल बजती है। मिस्टर पैराविकिनी अ यंग मैन एंटर्स। अब कौन आता है, मिस्टर पैराविकिनी आते हैं जो एक यंग आदमी होता है और
ही इज़ प्लीज दैट ही इज़ फाउंड अ गेस्ट हाउस बिकॉज हिज कार इज स्टक इन द स्नो आउटसाइड. वो बहुत खुश थे कि उनको कोई गेस्ट हाउस मिल गया है क्योंकि उनकी जो कार थी बाहर बर्फ में क्या हो गई थी, स्टक कर गई थी, फंस गई थी. अब मोली कहती है गुड इवनिंग वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग यू, कि गुड इवनिंग हम तो आपको एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, भाई आप कौन हैं, आप कौन आए हैं. तो मिस्टर पेराविकिनी कहते हैं आई एम द अनएक्सपेक्टेड गेस्ट, मैं एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट हूँ. द वन यू डिड नॉट इनवाइट, जिसको तुमने इनवाइट ही नहीं किया. द गेस्ट हु अराइव्ड फ्रॉम नाउ हियर हु आई एम, और आप सोच रहे होंगे कि जो गेस्ट यहाँ पे अभी आया है ये है कौन. वेयर हैव आई कम फ्रॉम, मैं कहाँ से आया हूँ. यू डू नॉट नो, आप लोग नहीं जानते. आई एम अ मैन ऑफ मिस्ट्री, मैं एक रहस्यजनक आदमी हूँ. आई कम्प्लीट द पिक्चर, चलिए मैं पिक्चर को कम्प्लीट कर देता हूँ. फ्रॉम नाउ नोबडी विल अराइव और डिपार्ट, अब से ना तो कोई आएगा ना कोई जाएगा. वी आर कट ऑफ फ्रॉम सिविलाइजेशन, हम जो सभ्यता है उससे बिल्कुल कट ऑफ हो चुके हैं, कट चुके हैं. इसका मतलब क्या है कि बाहर इतनी ज़्यादा बर्फ पड़ गई है कि किसी के भी आने या जाने का रास्ता नहीं रह गया है, और अभी के लिए वो क्या हो गए हैं, सिविलाइजेशन से कट ऑफ हो गए हैं. बात करें अगर सीन टू की, तो जो मेजर मेटकाफ हैं वो कहते हैं स्नो इज़ रादर लवली, लवली इज़न्ट इट. जो स्नो है वो बहुत ही लवली होती है, जब स्नोफॉल होती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है उसको देखना. तो क्या ऐसा नहीं है, सो पीसफुल एंड प्योर, कितनी पीसफुल और प्योर होती है, मेक्स वन फॉरगेट थिंग्स, और किसी को भी जो है थोड़ी देर के लिए चीज़ों को भुला देने के लिए इतनी उसके अंदर क्षमता होती है कि अगर स्नोफॉल हो रही है तो बंदा इतना खुश हो जाता है उसको देख के कि थोड़ी देर के लिए वो अपनी टेंशंस भूल जाता है. लेकिन जो मिस केजवेल है वो कहती है डजंट मेक मी फॉरगेट, भाई मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता. अब मिस मेजर मेटकाफ कहते हैं यू साउंड सो मॉर्बिड, आप बहुत ही थोड़े निराशाजनक लगते हो, मतलब आपके अंदर उम्मीद नाम की चीज़ ही नहीं है क्या, आप आशावादी हो ही नहीं, आप क्या हो, मॉर्बिड हो, मतलब थोड़े सीरियस रहने वाले पर्सन. अब मिस केजवेल कहती है आई वॉज थिंकिंग ऑफ आइस ऑन बेडरूम जग चिल बायन स्ट्रा एंड ब्लीडिंग वन थिंग रैग ब्लैंकेट एंड अ चाइल्ड शिवरिंग द कोल्ड एंड आउट ऑफ फियर फोन रिंग्स. अभी क्या होता है कि जो मिस केजवेल है वो बताती है कि ये जो स्नोफॉल हो रही है ना वो हम सभी अभी अंदर बैठे हैं ना तो ही हमें अच्छी लग रही है, लेकिन ऐसे बच्चे जिनका कंबल जो है बिल्कुल पतला है और फटा हुआ है. अब यहाँ पे चिल ब्लेंस का मतलब ये होता है कि ठंड के कारण हमारे हाथ पैर के अंदर सूजन आ जाना, क्योंकि ठंड के कारण क्या हो जाता है वहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन नहीं हो पाती, वो ब्लड जो है वहाँ पे जम जाता है. इसके कारण जो दर्द होता है वो कितना भयानक होता है हम सभी को पता है. ठंड में हमने देखा होगा जब हमें बहुत ठंड लगती है हमारे हाथ और पैर, हाथों की उंगलियाँ पैरों की उंगलियाँ ऐसे सूज जाती हैं और क्या हो जाती हैं वहाँ पे दर्द होता है हमारी उंगलियों के अंदर बहुत ज़्यादा. अगर इसी स्नो के अंदर उन बच्चों की बात करें जो कि एक फटे हुए कंबल में, एक पतले से कंबल में सो रहे हैं, तो कितना पेनफुल होगा उनके लिए वो चीज़. तो वो थोड़ा ऐसे कुछ बताना चाहती हैं. अब यहाँ पे क्योंकि जो फ़ोन है वो बजा था, इसलिए जो मोली है वो क्या करती है, पिकिंग अप द फ़ोन, फ़ोन को उठाती है. द बर्कशायर पुलिस, अब यहाँ पे बर्कशायर पुलिस बोल रही है सर्जेंट, अ सर्जेंट ट्रॉटर इज़ कमिंग ओवर एंड वी आर टू लिसन टू हिज इंस्ट्रक्शन इम्प्लिसिटी. अब यहाँ पे जो मोली है वो बताती है कि पुलिस स्टेशन से एक सर्जेंट आ रहे हैं और वो जो हैं उनकी इंस्ट्रक्शन को हमें बिल्कुल अच्छी तरह से सुनना है, पूरी तरह से सुनना है. ऐसा उसके पास फ़ोन आता है और सबको बताती है. अब गिल्स है वो थोड़ा चिंतित हो जाता है, कहता है आई वंडर व्हाट वी हैव डन, मुझे तो आश्चर्य है कि हमने क्या कर दिया कि पुलिस यहाँ पे आएगी. तो मोली कहती है वी मस्ट हैव डन समथिंग, हमने पक्का कुछ कर दिया है. फिर गिल्स कहता है प्रोबेबली समथिंग टू डू विद द रनिंग ऑफ दिस प्लेस, मुझे लगता है कि पक्का इस जगह के साथ ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है. आई एक्सपेक्ट वी हैव इग्नोर्ड सम रेगुलेशन ऑफ द मिनिस्ट्री, मुझे लगता है हमने कुछ मिनिस्ट्री की कुछ रेगुलेशंस को हमने क्या फॉलो नहीं किया है जिसके कारण हमसे कोई ना कोई गलती हुई है, जिसके कारण यहाँ पे पुलिस आ रही है, ऐसा वो लोग सोच रहे थे. अब नैरेटर कहता है द गेस्ट हियर अबाउट द पुलिस एंड आर सरप्राइज्ड व्हेन अ पुलिसमैन सर्जेंट ट्रॉटर आइस ऑन स्किस. अब जो नैरेटर कहता है कि जो वहाँ पे गेस्ट थे वो बहुत ज़्यादा एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं कि पुलिसमैन यहाँ पे क्यों आ रहा है. तो ट्रोटर है, अब जो यहाँ पे जो सार्जेंट आए थे, जो पुलिस वाले थे वो आए थे, वो क्या कहते हैं आई एम हियर टू गिव यू पुलिस प्रोटेक्शन, मैं आप सभी को यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन देने आया हूँ. इट रिलेट्स टू द डेथ ऑफ मिसिज मयूरिन लियोन, ये किसकी डेथ से रिलेटेड है, मिसिज मयूरिन की डेथ से रिलेटेड है, हु वॉज मर्डर्ड यस्टरडे, जिनका परसों
मर्डर हो गया था। हर रियल नेम इज़ मयूरिन स्टैनिंग, उनका पूरा नाम जो है मयूरिन स्टैनिंग है। हर हस्बैंड वॉज जॉन स्टैनिंग, उनके पति का नाम जॉन स्टैनिंग था। दे लिव्ड एट लॉन्ग रिज फार्म, और वो कहाँ पे रहते थे, लॉन्ग रिज फार्म के अंदर।